पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो यही है, डेफिनेशन आपकी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये डेफिनेशन है सबसे पहले। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वन और मोर विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है बच्चों? सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, जैसा कि नाम में ही है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो जिसमें जो डेरिवेटिव्स हैं वो किसके हो? वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग वन और मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब मेन चीज ये है बच्चों कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे ना वो एक से ज्यादा मिलेंगे, दो या दो से ज्यादा। एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसके लिए हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करते हैं, जो कि आपने सेकंड सेम में पढ़ा होगा, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारे पास क्या आ जाए? दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए किसी इक्वेशन में, तो ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी आपके पास, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ए पार्शियल डिफरेंशियल। इक्वेशन की फॉर्म दे रखी है, अगर दो वेरिएबल है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, किस तरह से लिखेंगे हम? एफ एक्स वाई जेड, यहाँ पर जेड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स और वाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। जेड डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और साथ में फिर अगर हम इनके पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव किया जाएगा, फिर जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव किया जाएगा, फिर हायर ऑर्डर भी हम निकाल सकते हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिखा जाएगा, इसी तरह से आप लिख सकते हो। तो ये जो इक्वेशन, इस टाइप की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी आपकी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे और जेड जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है बच्चों। नीड ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स की हमें जरूरत कब पड़ी है? जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए। जब तक हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते थे, हम डेरिवेटिव निकालते थे, जो आप 11 12th में पढ़ के आए होंगे ना। लेकिन जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाते हैं तो वहाँ पर हमें पार्शियल डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ती है। पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट एंड हायर ऑर्डर, उनको हम किस तरह से डिनोट करते हैं? अगर आपके पास जेड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स और वाई आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, तो आप जब पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे बच्चों तो किस तरह से? देखो अगर मेरे पास y एक फंक्शन है, y एक फंक्शन है, ये y इज इक्वल टू एक्स पे, ठीक है, यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि आप x की वैल्यूज पुट करते चलो y की अलग अलग वैल्यूज आपको मिलती चलेंगी, तो y डिपेंडेंट हो गया ना, y डिपेंड कर रहा है किस पे? x की वैल्यूज पे, और x तो इंडिपेंडेंट है यहाँ पे। तो जब आप डेरिवेटिव निकालते थे, क्योंकि यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, तो यहाँ पर हम यूज करते थे dy by dx, और डेरिवेटिव जब आप निकालते थे तो किसके इक्वल आता था बताओ? 2x, पावर आगे पावर पीछे बन सकते 2x, ऐसे निकालते थे हम। अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो आ गए x और y, और डिपेंडेंट वेरिएबल एक है,
एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम एक लेके चल रहे हैं जेड। तो जब आप डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यही किया था ना, डी वाई बाई डी एक्स, वाई क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, उसका डेरिवेटिव किया था विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर भी इसी तरह से किया जाएगा डेरिवेटिव। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जेड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव किया जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दो, तो दोनों के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हम जेड का डेरिवेटिव करेंगे एक बार तो एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। और जब आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो वहाँ पर नोटेशन चेंज हो जाती है, डी की बजाय कर लिया जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो नोटेशन है कर ली, ये पार्शियल डेरिवेटिव के लिए यूज होती है। तो हमने जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करने हैं, तो यहाँ पर आ गया कर ली जेड बाई कर ली। फिर हम क्या करेंगे, जेड डिपेंडेंट है ना यहाँ पे, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक के रिस्पेक्ट में तो कर दिया, अब इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, कर ली जेड बाई कर ली वाई। ठीक है, ये तो हो गए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, और तो कुछ नहीं बचा ना, क्योंकि डिपेंडेंट के दोनों ही के रिस्पेक्ट में कर दिया हमने। फिर उसके बाद अगर आपको फिर से डेरिवेटिव करना है, जैसे यहाँ पर अगर आपको फिर से डेरिवेटिव करना होता तो क्या करते आप, डी टू वाई बाई डी एक्स क्या आ जाता टू है ना। तो यहाँ पर जब आप करोगे तो डेरिवेटिव इसका फिर से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका फिर से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कर्ली टू जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आ जाएगा कर्ली टू जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई। और जब आप इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो क्या आ जाएगा, कर्ली टू जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर। ठीक है, जो बुक हम पढ़ रहे हैं बच्चों बीएससी में, इस बुक के अकॉर्डिंग इनके एक नोटेशन दे रखी है उसने, जो हर मोस्टली क्वेश्चंस में वही यूज करेगा, तो वो आपको याद रखने नहीं है। जो पी है ना, स्मॉल पी, वो डिनोट किया गया है कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स के लिए। स्मॉल पी किसके लिए यूज हुआ है, कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स के लिए। फिर स्मॉल क्यू किसके लिए यूज हुआ है, कर्ली जेड बाई कर्ली वाई के लिए। ठीक है, फिर स्मॉल आर यूज हुआ है कर्ली टू जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर के लिए। स्मॉल एस यूज हुआ है कर्ली टू जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई के लिए। और स्मॉल टी यूज हुआ है बच्चों कर्ली टू जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर। ये चीज आपको याद कर लेनी है कि अगर मैं कहीं स्मॉल पी लिखती हूँ तो उसका मतलब ये है कि कर ली जेड वाई कर ली एक्स की वैल्यू है। ठीक है, कहीं पर आपको स्मॉल आर दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो किसकी वैल्यू है, कर ली टू जेड वाई कर ली एक्स की। ठीक है, हो गई यार पांच वैल्यू। ये था इंट्रोडक्शन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल। ऑर्डर और डिग्री आपने ओडी में पढ़ी है, ऑर्डर और डिग्री है ना सेम ही, बस यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी वहाँ पर ओडी थोड़ा बहुत चेंज है। ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन बच्चों, द ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग इन इट। जो भी आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आपको क्या देखना है, जो हाइएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है ना उसका जो ऑर्डर होगा उसी को हम क्या बोल देंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। क्लियर, क्या कहा मैंने, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है कोई उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर है ना वो ऑर्डर कहलाएगा किसका,
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो अगर मैंने एक एग्जांपल लिखा एक्स स्क्वायर कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स प्लस वाई स्क्वायर कर्ली जेड बाय कर्ली वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये एक इक्वेशन लिख लो बच्चों। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसको बोलते हैं? ये डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव हो किसके? डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव है ना, और जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी, तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो हो गई आपके पास। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन गई ना। अब नेक्स्ट हम देखना चाह रहे हैं इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर की डेफिनेशन अभी मैंने बताई आपको। ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसके इक्वल होता है? इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है ना उसका ऑर्डर जो होगा वो इसका इस पीटी का ऑर्डर कहलाएगा। तो देखो पार्शियल डेरिवेटिव एक तो ये है, एक ये है, दो ये है। ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। एक बार ही तो डेरिवेटिव कर रखा है ना, यहाँ पर भी एक बार ही कर रखा है। समझ आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पर इस डेरिवेटिव का, इस पार्शियल डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है? फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव वन, इसका भी वन। दोनों में हाइएस्ट कौन है? वन, दोनों ही तो वन वन है तो वन। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर आया वो कितना आ गया? वन। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। और क्वेश्चन लिख देती हूँ। ये था फर्स्ट एक्स स्क्वायर कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स माइनस वाई कर्ली जेड बाय कर्ली वाई, ये है। यहाँ पर देखो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है इसमें सबसे पहले ये देखो कि जो पार्शियल डेरिवेटिव यूज हुए हैं वो कितने ऑर्डर के? ये है, ये कितने ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है? फर्स्ट ऑर्डर जेड का एक बार ही तो डेरिवेटिव कर रखा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टू ऑर्डर तो वो होता जब इसका दो बार डेरिवेटिव करते हैं, है ना? उसी से कनेक्ट करूं अगर मैं आपको, तो जैसे अभी लिखा था वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये लिखा था ना वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर आपने डी वाई बाई डी एक्स लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक बार डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना? इसकी पावर दो कर देने से क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया है? नहीं बना ना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कब होगा? जब आप वाई का दो बार डेरिवेटिव कर दो। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो यहाँ पर ये क्या है कि डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये और उसकी पावर टू है। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है तो दोनों का ऑर्डर वन है, तो हाईएस्ट भी क्या हो जाएगा? वन। तो इसका ऑर्डर भी कितना आ गया? ठीक है, आगे बच्चों कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स क्यूब प्लस फाइव कर्ली जेड बाई कर्ली वाई रेज टू पावर फोर, ये भी कर लोगे आप फर्स्ट ऑर्डर ही आएगा। एक मैं सेकेंड ऑर्डर का बता देती हूँ आपको, एक सेकेंड ऑर्डर का बता देती हूँ। ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ली, इसमें ये देखो ये पार्शियल डेरिवेटिव है कितने ऑर्डर का है? सेकंड ऑर्डर, है ना? ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। इनमें से हाईएस्ट कौन सा है? टू टू वन में हाईएस्ट क्या है? टू। तो ये इसका ऑर्डर कितना आ गया? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आ गया टू। ठीक है, ऑर्डर आ गया सबको समझ? ऑर्डर पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो कर लेगा।